वेलकम बैक टू माई चैनल स्पॉट्स एंड स्टाइल। दिस इज मंजूश्री एंड आज का हमारा हॉल है मीशो हॉल। सो दिस इज अ मीशो कुर्ती हॉल। नाउ मैंने ये मीशो हॉल इसलिए बनाया बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ प्रिटी वराइटी ऑफ कुर्तीज अवेलेबल ऑन मीशो दैट टू एट सच एन अफोर्डेबल प्राइस। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मीशो से कुछ कुर्तीज परचेज करूँ सो दैट इट कैन हेल्प यू चूज द राइट कुर्ती फॉर योर सेल्फ। सो गाइज मैंने ये वीडियो बनाने से पहले काफी सारे यूट्यूबर्स के ब्लॉग्स देखे एंड आई चूज दोज वंस विच आई फाउंड वर द मोस्ट प्रिटीएस्ट इन दोज वीडियोज एंड जिनको उन्होंने अच्छा रिव्यू दिया है और जिन जो उनके हिसाब से सबसे अच्छे और सबसे प्रिटी लुकिंग है और जो मुझे उनके वीडियोज में पसंद आए, मैंने वो सारे कोड्स पिक किए और वही सारे जाके मैंने मीशो पे सर्च किए। मैंने उनके रिव्यूज भी चेक किए और उसके बाद आई परचेज। तो आई डोंट थिंक कि इतनी सारी चेक्स करने के बाद भी कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए मेरे कुर्तीज़ की क्वालिटीज में। तो अगर किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब है या किसी का डिफरेंट कलर आता है तो वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। सो मैं सारे प्रोडक्ट्स के कोड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो दैट यू कैन जस्ट कॉपी इट एंड सर्च इट ऑन मीशो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हॉल। सो माई फर्स्ट परचेज इज दिस ब्यूटिफुल पिंक कलर कुर्ती सेट। लेट मी ओपन इट फॉर यू। So this is how the kurti looks. मैं इसको आपको पहनकर भी दिखाऊंगी। Now इसका material rayon का material है and the color is really beautiful. It's a baby pink color and इसमें यहाँ सामने neck के पास it's a gota work. This entire silver color work is a gota work and it's on the sleeves as well. Sleeves में भी ये gota work दिया हुआ है और मैं आपको ये neck का work भी पास से दिखा देती हूँ। सो नेक पर है एंड देन बॉटम में यहां पर पाइपिंग दी हुई है। द फैब्रिक क्वालिटी इज रियली गुड। रेयन उतना सॉफ्ट नहीं है बट रेयन वॉश करने के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। सो दिस वन इज फ्रॉम द ब्रांड प्रक्षा एंड इसका प्राइस 3298 है बट इसका ओरिजिनल प्राइस मैं ऊपर मेंशन कर दूंगी। एंड इस पे दोनों तरफ टैसल्स भी लगे हुए हैं एंड मैंने साइज पिक किया था मीडियम बिकॉज इसमें स्मॉल साइज अवेलेबल नहीं था। सो इट्स अ लिटिल लूज फॉर मी लाइक बाय हाफ ऑफ इंच बट मैं कभी कभी कुर्तीज थोड़ा लूज भी पहनती हूँ बिकॉज स्पेशली इन द समर्स इट गेट्स वेरी हॉट एंड अगर आप ऑफिस जाते हो ऑफिस पहनते हो पूरा दिन ऑफिस में पहनकर बैठते हो तो इट गेट्स रियली डिफिकल्ट टू मैनेज इन अ टाइट फिटिंग कुर्ती। तो आई लाइक टू वेयर लूज स्पेशली इन द समर्स। तो ये काफी प्यारी कुर्ती है एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कुर्ती इज इसका दुपट्टा। दिस इज द दुपट्टा। ये काफी अच्छा शिबोरी टाइप का दुपट्टा आया है एंड इसमें पूरे बॉर्डर में पाइपिंग लगी हुई है। सॉरी मैं आपको उल्टा दिखा रही हूँ। दिस इज हाउ इट इज एंड इसके किनारे पे गोटा वर्क किया हुआ है। सो इट्स लाइक अ गोटा टैसल ऑन द बॉर्डर। और मुझे इसका दुपट्टा बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही पसंद आया, बहुत ही सोबर और एलिगेंट लुकिंग दुपट्टा है एंड इसका बॉटम भी रेयन मटेरियल का है। दिस इज हाउ इट इज। इस पे इलास्टिक बैंड है एंड स्ट्रेचेबल। सो इट्स स्ट्रेट पैंट, इट्स पलाजो पैंट। सो दिस इज हाउ द फिटिंग लुक्स। इसका फिटिंग काफी अच्छा है एंड मुझे बहुत प्यारा लगा। एंड काफ़ी सारे मीशो कस्टमर्स की कंप्लेंट थी कि उनकी कुर्ती पर या उनके दुपट्टे पर टैसल्स लग के नहीं है बट मेरी कुर्ती और दुपट्टे दोनों में टैसल्स है। बट इसका मटेरियल मुझे कॉटन नहीं लग रहा जैसा मेंशन था, इसका मटेरियल विस्कॉस या रेयन जैसा लग रहा है। Now let's move on to the next product. The next one is this kurti set. So this is a three piece set और ये बहुत ही ज़्यादा popular है मीशो पर। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इस कुर्ती पे ब्लॉग बनाया है एंड मैंने सबके ब्लॉग्स देखने के बाद आई डिसाइडेड कि आई वांटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कलर बहुत ही अच्छा है। सो लेट मी शो यू। ये देखिए इसका कलर, इट्स अ नाइस पाउडर ब्लू कलर एंड इसके स्लीव्स पर जरी वर्क की है। ये गोटा वर्क नहीं है, ये जरी वर्क है। जब मैंने यूट्यूबर्स के ब्लॉग्स में देखा था तो मुझे लगा कि यहाँ पे गोटा वर्क किया हुआ है बट दिस इज अ जरी वर्क। ये जरी का धागे का काम किया हुआ है। काफ़ी न्यू पैटर्न का काम है, मैंने ऐसा काम किसी कुर्ती पर या किसी भी अदर सूट पर नहीं देखा आज तक। एंड इसका चेस्ट एरिया इतना प्यारा है, इतना सुंदर है। देखिए दीज आर पर्ल्स हियर, यहाँ पर पर्ल्स लगे हुए हैं। दीज आर ऑल्सो पर्ल्स।
दिस पर्ल इज ब्लू इन कलर. सो दिस इज इन ब्लू कलर थ्रेड. दीज फ्लावर्स आर इन पर्पल थ्रेड. दीज लीव्स आर इन ब्लू थ्रेड. एंड दिस इज एंटायरली अ सिल्वर थ्रेड वर्क. इट लुक्स सो प्रिटी. सच अ ब्यूटिफुल कलर. सो आई एम अ बिट डस्की एंड मुझे काफ़ी सारे शेड्स नहीं सूट करते हैं. बट दिस ब्लू कलर इज सच अ ब्यूटिफुल कलर. मुझे मेरे कॉम्प्लेक्शन को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस भी कर रहा है. इसे आपको अच्छे से दिखाती हूँ. एंड इसमें बीच में कट है. देयर इज अ कट हियर. एंड जब मैंने इसको लिया था मुझे लगा था कि इसके साथ दुपट्टा नहीं आएगा बट इट केम विथ अ पाउडर ब्लू कलर प्लेन दुपट्टा. एंड इट ऑल्सो हैज अ पलाजो. सो दिस इज द पलाजो. और इस पलाजो में भी देयर इज स्ट्रेचेबल इलास्टिक. एंड पलाजो के बॉटम में भी वर्क किया हुआ है. देयर इज जरी वर्क इन द बॉटम. काफी प्यारा वर्क किया हुआ है इस पर भी. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि ये इनर के साथ है. इट्स नॉट जस्ट कि आपको बस एक पतला सा कपड़ा दिया है. इसके अंदर भी लाइनिंग लगी हुई है. ये देखिए. दिस इज अ पॉलिस्टर मटीरियल. पॉलिस्टर मटीरियल को आपको आयरन करने की जरूरत नहीं है. कुछ करने की जरूरत नहीं है. यू कैन जस्ट वॉश इट एंड वेयर इट. और ये ऊपर का जो मटीरियल है दिस इज जॉर्जेट मटीरियल. एंड दिस इज अगेन अ जॉर्जेट का दुपट्टा. एंड दिस इज कम्प्लीटली जॉर्जेट. तो थोड़ा सा वो ट्रांजी लुक भी आएगा. बहुत ही प्यारा है. बहुत सुंदर है. चलिए मैं आपको इसको पहन के दिखाती. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर वेयरिंग. इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी है. इसके जो स्लीव्स हैं वो मुझे प्रॉपरली फिट हो रहे हैं. एंड इसका फ्लेयर बहुत अच्छा है. तो काफ़ी यू नो प्रिंसेस एल्सा टाइप का फीलिंग आता है. इसका जो पलाजो है वो काफ़ी लॉन्ग है. तो आपको इस पर हील्स पहनना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज आपको इसको कट करवाना पड़ेगा जिसमें इसकी बॉर्डर निकल जाएगी. एंड आई ऑल्सो थिंक कि इसका प्राइस थोड़ा हाई है. आई थिंक 1200 तक होता तो ज़्यादा अच्छा होता. But I think it's a perfect outfit for a haldi or mehndi function of a friend or cousin. So let's move to the next product. The next one is again a blue kurti set. You'll mostly see blues and pinks in this entire haul because pata nahi kyun mujhe sky blue aur pinks bahut zyada pasand aa rahe the. So I picked up this one. So this is in cotton material but material to acha hai. But I didn't like the color shade because जब मैंने इसका color देखा था online it looked like sky blue but इसका actual color काफ़ी dark सा है. आप अब जो देख रहे हो that is the kind of color. इस side जो देख रहे हो that is the kind of color. जहाँ sunlight पड़ रही है that's not the right color. So this is the kind of color. It's like dark. तो अगर आपको कलर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप फेयर कॉम्प्लेक्शन के हो तो डेफिनेटली आपको एक ये भी कपड़ा पसंद आएगा बिकॉज इट इज़ कॉटन. एंड पैटर्न बहुत अच्छा है. यहाँ पर देर इज गोटा वर्क. दिस इज एम्ब्रॉयडरी एंड दिस इज गोटा पत्ती वर्क. इट्स अ ब्यूटिफुल वर्क एंड काफ़ी कम काम है. पूरा यहाँ पर चौक प्रिंट का वर्क है तो मुझे लगता है कि थोड़ा वॉश करने के बाद फेड भी हो जाएगा. But all in all, I am not very happy with this product. But I think color थोड़ा अच्छा आता तो और अच्छा लगता. I don't know wash करने के बाद color थोड़ा light होगा या नहीं. But for now, I really am not 100% convinced with this product. I would either gift it or maybe return it back to the seller. And the cost of this one is mentioned here. And इसके साथ आया था palazzo. This is the palazzo. इसका पलाजो का फ्लेयर भी काफ़ी अच्छा है. सो यू कैन टेक योर ओन कॉल ऑन दिस वन. आई एम नॉट 100% कन्विंस्ड. आई थिंक 90% 95% आई एम कन्विंस्ड विद दिस. कपड़ा अच्छा है. चॉक प्रिंट है तो मोस्टली मुझे चॉक प्रिंट ज़्यादा पसंद नहीं आता बिकॉज वो दो तीन वॉश के बाद लाइट होने लगता है. बट ये वर्क काफ़ी अच्छा है. द ब्लू एंड पिंक कॉम्बिनेशन हेयर इज रियली नाइस. अगर आप समर वेयर के हिसाब से काफ़ी सारे एथनिक्स और कुर्तीज खरीदना चाहो तो यू कैन डेफिनेटली ऐड दिस टू योर वार्डरोब. दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर वेयरिंग. एंड मैं यूजुअली साइज एस लेती हूँ बट इसमें मैंने एम साइज लिया था विच फिट्स मी परफेक्टली वेल.
एंड फैब्रिक क्वालिटी कॉटन मिक्स है, प्योर कॉटन नहीं है। एंड इसके स्लीव्स में भी वर्क है जो मैंने पहले नोटिस नहीं किया बट बाद में पहनने पर नोटिस किया, which looks really good. So I think you can keep it if you want. So guys, let's move to the last product of this haul, which is this pink color sharara. And this sharara was not suggested by any YouTuber. वहाँ पर कोई भी feedback नहीं था इसका. And I think probably I am the first or second one to purchase this one. But मुझे इसका picture बहुत पसंद आया था. This is how the picture looked. एंड इसीलिए मैंने ये परचेज किया. मैंने सोचा कि ठीक है अच्छा नहीं आएगा तो आई विल रिटर्न इट बिकॉज आई थिंक दिस इज अंडर 600. द एक्चुअल प्राइस इज दिस. सो लेट मी ओपन एंड शो इट टू यू. सो गाइस, दिस इज हाउ द कुर्ती लुक्स. इट्स अ शॉर्ट कुर्ती. इसे आप जीन्स के साथ भी टीम कर सकते हो और इसे जीन्स के साथ पहनकर भी आप कॉलेज जा सकते हो या ऑफिस जा सकते हो. इसके आर्म होल्स काफ़ी बड़े हैं तो आप अपने हिसाब से इसका फिटिंग करा सकते हो. मैंने एम साइज लिया था. आई जनरली वेयर अ एस साइज तो मुझे ये वेस्ट में थोड़ा सा लूज आ रहा है बट इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा है. एंड दिस इज द शरारा. तो मेरी हाइट 5'2" है तो मोस्टली शरारा मुझे थोड़े लंबे आते हैं और वो पाँव के पास काफ़ी लटकते हैं बट इसका जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छा है. इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है. तो आई रियली लव दिस. इसका शरारा बहुत ही प्यारा है. ये मल्टी लेयर्ड शरारा है. इसमें एक लेयर यहाँ है और देन एक लेयर यहाँ है. तो बेसिकली एक एक्स्ट्रा लेयर है यहाँ पर. पैर के पास आपको एक और फ्लेयर मिल जाती है तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है पहनने में. मैं आपको वीडियो में दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है. दिस इज हाउ इट लुक्स आफ्टर वेयरिंग. इट लुक्स रियली प्रिटी एंड मुझे बस्ट एरिया में इसको थोड़ा सा फिटिंग करवाना पड़ेगा बट लुक एट द फ्लेयर. इट्स सो ब्यूटिफुल. इतना प्यारा लग रहा है. लाइक वेन एवर यू आर मेकिंग मूवमेंट इट्स लुकिंग सो गुड. So guys, these are all the kurtis that I purchased from Meesho and I hope you enjoyed watching this video and I also hope that this video was helpful for you to make the right choice. And I have also mentioned the product item codes and their prices in the description box below. And if you still have any questions, do leave them in the comments and I'll reply to them. And yeah, do not forget to like and subscribe to my channel and see you soon in my next video. Bye-bye.